अभी हालात जो है बहुत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इसको हमें सुधारना चाहिए। और जो है माइनॉरिटीज मुसलमानों के दिलों में एक डर पैदा हो रहा है, उनके डर को निकालना है और जो है मुसलमानों को जोड़ना चाहिए। हम लोग ऐसे पूरे पूरे मस्जिदों में इधर उधर जो है हर एरियाज में सभी इसके बारे में बात करना है। और ख़ास करके मुसलमान डिवाइड होकर क्या होता है वोटिंग करने के टाइम में जो है दूसरी जो आके मीठे मीठे चालबाजी की बातें करते हैं उनके हक में वोट दे देते हैं, वो तो आते भी नहीं है फिर भी वो लोग उनके इसमें चले जाते हैं, झांसे में चले जाते हैं। तो उसको रोकना है हम सबको रोक के, और जो है खास करके मुसलमान जो है एससी एसटी का साथ लेना है, इसी तरह हमारी जो है कैपेसिटी बढ़ाना है। और हमें जो है आने वाले दिनों में तंजीम को तंजीम के जरिए ये सब कर सकते हैं हम। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाएंगे, इसके जरिए पूरे पूरी रियासत में जो है काम करेंगे हम इंशाल्लाह। तंजीम के जरिए जो है पूरा ये करेंगे और कांग्रेस को भी हम सपोर्ट करेंगे, इससे जो है आने वाले इलेक्शन में जो है काफी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। जवान नहीं उन्हीं को बात करेंगे समझाएंगे, हर चीज के लिए हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, हम ये कदम वो ये कदम आ गए हैं तो हम दो कदम आगे जाएंगे, इस तरह गैर कौम के साथ जो है हिंदुओं के साथ हम मिलनसारी का ये करेंगे प्रोग्राम बना रहे हैं इसके लिए। नहीं इंशाल्लाह आगे आगे दिनों में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करके यूनिटी के प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस करेंगे जिसके अंदर जो है हमारे गैर कौम के जो है हिंदुओं के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो मुसलमानों के साथ बैठ के बात करेंगे, ऐसे लोगों को बिठाएंगे कि जिस जहाँ पे गलत फहमियाँ हो रही हैं उसको दूर करना है। जो अभी आजकल की हुकूमत जो है गलत फहमियाँ पैदा कर रही है इसके अंदर हमारी कौम के अंदर कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा तीन तलाक ये वो सब ऐसी चीज़ें ला रही है और उसमें ये कर रही है, इसके बावजूद जो है हमारी कौम अभी बेदार हो रही है। इंशाल्लाह आगे भी हम इसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे।